आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ देवगांव कोतवाली पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मोलनापुर से निहोरगंज जाने वाली मार्ग पर कलीचाबाद मोड़ पर एक व्यक्ति अवैध असलहे की खरीद फरोख्त कार्य करता है। उस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक देवगांव मय हमरा के कलीचाबाद मोड़ पहुंचे, जहां एक व्यक्ति समीर वर्मा पुत्र गिरीश भारती निवासी शर्मा थाना बर्धक को गिरफ्तार कर तलाशी ली गई तो एक तमंचा 32 बोर, 5 अदद खोखा कारतूस, 12 बोर, एक मैगजीन पिस्टल व जिंदा कारतूस AK-47, एक रिवाल्वर 32 बोर, 3 जिंदा कारतूस 32 बोर, एक बंदूक 12 बोर, 6 खोखा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ, जिसको गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई नियम अनुसार किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम प्रभारी निरीक्षक शशि मौली पांडे, उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल, हेड कांस्टेबल संजय, हेड कांस्टेबल विश्वनाथ यादव, कांस्टेबल शिवम तिवारी मौजूद रहे। इसी प्रकार उप निरीक्षक उमेश चंद्र यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि करिया गोपालपुर तिराहे पर एक व्यक्ति अवैध असलहा कारतूस के साथ मौजूद है। उस सूचना पर उप निरीक्षक मय हमरा के करिया गोपालपुर तिराहा पहुंचे, जहां एक व्यक्ति प्रज्ञान उर्फ रॉबिन राय पुत्र सतीश राय निवासी सोफीपुर थाना देवगांव को गिरफ्तार कर तलाशी ली गई तो उसके पास से एक तमंचा 12 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ, जिसको गिरफ्तार कर आवश्यक विधि कार्रवाई नियम अनुसार की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक उमेश चंद यादव, कांस्टेबल राहुल शाह मौजूद रहे। देवगांव कोतवाली पुलिस की इन कामयाबियों पर SP सिटी शैलेंद्र लाल ने 5000 रुपए का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम समीर वर्मा है, वो असलाह की खरीद फरोख का काम करता है। इस सूचना पर पुलिस ने जिस निर्धारित स्थान पर दबिश दी, वहाँ पर समीर वर्मा की गिरफ्तारी करी, जिसके पास से 3 वेपन्स बरामद हुए हैं। एक 32 बोर का तमंचा है, एक 32 बोर का रिवॉल्वर है और एक 12 बोर का तमंचे साथी से बरामद हुआ है। इसके अलावा इनके पास से जिंदा कारतूस व खोखी भी बरामद हुआ है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम रॉबिन राय है, उसकी गिरफ्तारी करी गई है, जिसके पास से एक 12 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। कुल हमारे 4 वेपन्स बरामद किए गए और जिंदा कारतूस व खोखे शेष आगे और पीछे के लिंकेजेस जोड़ने के लिए कहाँ से है पुलिस गहन छानबीन कर रही है। और इस फुटवर्क के लिए पुलिस टीम को 5000 रुपये इनाम दिए जाने की संस्कृति की जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।